मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इससे पहले डाइपोल कर चुके हैं हम लोग भी, ओके। लिखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका है, पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल किसकी गुणा भैया, पोल स्ट्रेंथ की और उनके बीच की डिस्टेंस की भी। एक और लिखी लाइन इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल यूज कर रहे हो वो बताने के लिए क्या होता हमारे पास, डाइपोल मोमेंट होता है। याद है हमने इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी किया था भाई, वहां पे पी लिखा गया था, यहाँ पे इसको एम से लिखते हैं भाई, कैपिटल एम से भी। ये होता है एम इंटू टू ए, व्हाट इज स्मॉल एम भी, ये बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ को भी। कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कौन से होता है, पोल से होता है वो, और टू ए क्या है उसकी डिस्टेंस भी। कर पाओगे भाई, यूनिट क्या होंगी एम की भी, कैपिटल एम की भी, ये होगा जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। एक और इंट होती है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर में। ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वायर भी बेलाई के मैग्नेट्स भी, डाइपोल भी हो सकता है वो, तो उसका मोमेंट भी होगा भाई क्लास। ये होगा इंटर्म ऑफ मैग्नेट्स भी, जूल पर टेस्ला के बताएंगे चीज़ों को जो भी आने वाली है। कर लोगे, डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन ऑफ एम, डायरेक्शन ऑफ पी क्या थी, याद है पी क्या था, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी, नेगेटिव से पॉजिटिव था भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका क्या आता था, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ भी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ भी, वेक्टर क्वांटिटी है क्लास पक्का भी, हो जाएगा लिखता हूँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कर पाओगे, बस इतना ही था, हो जाएगा अभी, रब कर दें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी इन टर्म ऑफ मैग्नेट कर रहे हैं अभी, ओके। फील्ड क्या था, कुछ याद है कि स्पेस मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई और मैग्नेट कितना फोर्स लगे, फोर्स एक्सपीरियंस करे भी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो क्या है इसका, फील्ड इंटेंसिटी है। तो लिख लीजिएगा, लिखो इसमें द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं है, ये टॉपिक है भी नहीं बुक में, वैसे मैं करवा रहा हूँ। बी कुछ से लिखते हैं इसको, एफ बाई एम नॉट भी, कुछ याद आ रहा है, वहाँ पे ई था भी, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट था भी, एम नॉट इज द पोल स्ट्रेंथ भी ऑफ यूनिट जो भी आपने लिखा होगा अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ क्लास, ये निकाली जा चुकी है, वन बाई नहीं था म्यू नॉट बाई फोर पाई, याद है कि नहीं है, एम वन एम टू दो हैं अभी, एम और एम नॉट ले लेते हैं, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वेयर में, यस और नो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी क्लास, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई एम एम नॉट बाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट काट दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वेयर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी, इन टर्म ऑफ मैग्नेट नॉट इन टर्म ऑफ करंट भी, हो जाएगा। पहले तो निकाली जा चुकी थी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद है कि नहीं है अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा।
इंटरम ऑफ करंट आई कि नहीं आई, ये था इंटरम ऑफ मैग्नेट्स। बस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट भी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है भाई। इसके भी दो पॉइंट हो सकते हैं क्लास, ये होती है बार मैग्नेट भी आप, है ना। पहला पॉइंट इसका लिख सकते हैं व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। याद है टॉपिक भाई, एक्सियल लाइन वाला टॉपिक करना है, ठीक है। मैग्नेटिक व्हेन पॉइंट पी लाई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, अगर पी पॉइंट जो भी है, पी पॉइंट या सी पॉइंट जो भी यूज करेंगे, अगर वो कहाँ पे लाई कर रहा हो, उसकी एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा हो, कैसे भाई। एक मैग्नेट क्या डाइपोल हो सकता है, होता ही है भाई, यह सर नो, ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी लेंथ कितना मान लेते हैं इसका, कितना लेंथ है डाइपोल टू ए, पोल स्ट्रेंथ कितना है इसका, बराबर होती है मैग्नेट की भाई, एम 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 भाई, एम ओ एम टू नहीं, सिर्फ एम एम कर लोगे। ये पॉइंट क्या मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है भाई, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट्स। और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट और भी है भाई, इट इज द पॉइंट पी, जहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं भाई, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स मान लें इसको, समझ में आ रहा है भाई। लिखिए लेट वी हैव ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ टू ए, ऑफ लेंथ टू ए एंड पोल स्ट्रेंथ एम, पोल स्ट्रेंथ एम। एक मैग्नेट की पोल्स बराबर की होती है, पता है ना सबको, सिंगल मैग्नेट की कर लोगे। आगे लिखिए पी इज द पॉइंट, पी इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। P is the point where we want to find out magnetic field intensity. P point कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, यस आर नो। तो मैं पहले तो निकालता हूँ, देखो उसका तरीका क्या निकालने का, जहाँ पे भी निकालना वहाँ पे क्या रख दो, एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दो। मतलब क्या भाई क्लास, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है पूरी, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या इसका साउथ पोल है, इसका वैल्यू कितना है पोल स्ट्रेंथ का, 1-1 है अभी, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। अगर आप नॉर्थ को बोल रहे हो तो साउथ भी है साथ में उसके भी, लेकिन नॉर्थ इस तरफ रखा गया है ये बोल सकता हूँ, कर लोगे। तो पहले तो इसकी वजह से निकालते हैं इस पॉइंट पे क्या आंसर आएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल वे, ड्यू टू नॉर्थ पोल। इसको बी वन ले लें, वेक्टर क्वांटिटी है, फार्मूला क्या बनता है बी का भाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर भी, एन पी स्क्वायर, यस आर नो, एन पी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या दें भाई, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, रिपेल करेंगे पक्की बात है, ये सब धक्का मारेगा ऐसे, फ्रॉम एन टू पी, फ्रॉम एन टू पी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पी, सारे टॉपिक पहले हो चुके हैं अभी क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पी भाई, एन पी ये है, यहाँ तक का एक्स है, इसमें से ये घटा दूँ तो कितना आएगा, एक्स माइनस ए, इसको हाफ करेंगे तो ए बनेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन क्लास, यहाँ पर लिख दें बी वन इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई एम एक्स माइनस ए का स्क्वेयर भी फ्रॉम एन टू पी भी,
यस और नो? ये बी वन का वैल्यू आ गया अभी। एनी प्रॉब्लम भाई? राइट कर लिया यहाँ तक, समझ में आ रहा है? सेकंड निकालें, रब कर दें इसको, लिखो सेकंड भाई। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू साउथ पोल, पूरा लिखो, ड्यू टू साउथ पोल भी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू साउथ पोल, इसको बी टू ले लें। व्हाट द वैल्यू ऑफ बी टू भी? म्यू नॉट बाई फोर पाई एम, एम तो वही है भी। डिस्टेंस कितना इनके बीच का भी, एस और पी के बीच का, एस पी का स्क्वेयर। डायरेक्शन क्या लिखें भी? अट्रैक्शन हो रही कि रिपल्सन हो रही है, साउथ में या नॉर्थ में खींचे अपनी तरफ? यस और नो? फ्रॉम पी टू एस भी, फ्रॉम पी टू एस, समझ में आ रहा है? यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी? यहाँ तक तो एक्स है भाई, अरे ये ए हो गया, कितना हो गया, एक्स प्लस ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टू भी? म्यू नॉट बाई फोर पाई एम एक्स माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वेयर फ्रॉम पी टू एस, फ्रॉम पी टू एस, दोनों निकाल लिए। नेट निकालने के जोड़ना पड़ेगा इनको, यस और नो? प्रॉब्लम क्या है, एक की डायरेक्शन उल्टी एक की सीधी, ऐसे एक को माइनस लेना पड़ेगा, यस और नो? एक्चुअल में नेट में क्या कर रहा हूँ मैं, सबट्रैक्शन ही करना पड़ेगा मेरे को इसमें, तो अच्छा क्या रहेगा कि बड़े में से क्या करते हैं, छोटा माइनस कर लेते हैं, यस और नो? तो बी वन और बी टू में बड़ा कौन है छोटा कौन है? बी वन बड़ा है, नीचे वाली चीज़ कम है इसकी, ये नीचे माइनस का है अभी, यहाँ पे नीचे क्या है प्लस का है, ये ज़्यादा है अभी। कर लोगे तो नेट निकालने के लिए क्या करोगे, डायग्राम रब करते हैं भाई, याद रखिए नेट हमेशा जोड़ के निकालते हैं भाई, पता है इस बात का? प्रॉब्लम क्या है, एक तो नेगेटिव ही है मेरा, उल्टी डायरेक्शन के हैं, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन ऑफ टू वैल्यू इन इज वन इज नेगेटिव, यस और ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन? वैल्यू ले लेते हैं सिंपल पहले, तो डायरेक्शन बाद में लेंगे। म्यू नॉट बाई फोर पाई एम एक्स माइनस ए का स्क्वेयर माइनस बी, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम एक्स प्लस ए का स्क्वेयर भी, सही है? कुछ कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट एम, एम भी कॉमन आ रहा है, बाई फोर पाई, यहाँ पे बचा वन बाई एक्स माइनस ए का स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स प्लस ए का स्क्वेयर भी, यस और नो? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एलसीएम ले लें, लेना था एलसीएम भी, म्यू नॉट एम बाई फोर पाई, एलसीएम कितना होगा बताओ जल्दी से, एक्स माइनस ए का स्क्वेयर एक्स प्लस ए का स्क्वेयर के गुणा कर दें, यहाँ पे कितना आएगा ऊपर, एक्स प्लस ए का स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वेयर का कंप्लीट है, इसे ब्रैकेट बंद हुई। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है नीचे वाला, किसका बन रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर भी, यस सर ना? यस सर, रहने दो, कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, स्क्वेयर ओपन करना आता है, करो फिर, यहाँ पे करें, बी बराबर है कितना भी, म्यू नॉट एम बाई फोर पाई, नीचे क्या लिखूँ बताऊँ, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर भी, सही है? ओपन कीजिए एक्स प्लस ए का स्क्वेयर भी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस प्लस टू एक्स ए माइनस भी, पूरा ओपन करें इसको, एक्स माइनस ए का स्क्वेयर और माइनस अंदर ही ले लेता हूँ सारी सारी, कितना आएगा आंसर भी, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू एक्स ए, माइनस टू एक्स ए होता है, माइनस अंदर चली गई तो क्या हो गया, प्लस का हो गया अभी, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कट गया और क्या बच गया अभी, म्यू नॉट एम बाई फोर पाई, क्या बचा, टू एक्स ए, टू एक्स ए फोर एक्स ए बाई
एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर भी। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। नो ये रब कर दें। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई एम इंटू टू ए इंटू टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर वे। यस और नो? एम इंटू टू ए क्या होता है? अभी क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम भाई इंटू टू एक्स डिवाइड बाई फोर पाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। डायरेक्शन दे तो क्या डायरेक्शन देगा बताओ? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या होती है? जो बड़ा वेक्टर हो, बड़ा कौन सा था? बी वन। डायरेक्शन क्या आएगी? फ्रॉम एन टू पी बी वन की। बड़ा तो बी वन है। यस और नो? ये एम क्या भाई क्लास को भी लिख दो, एम इंटू टू ए डाइपोल मोमेंट होता है भी। कर लोगे? बस टॉपिक पूरा हो गया, हो जाएगा। केस फर्स्ट एक ही है वैसे। अगर मैं बोल दूं कि मैग्नेट छोटी है तो क्या बोलोगे? डाइपोल छोटा मतलब? देख लीजिए, व्हेन डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल बोल दूं इसको, डाइपोल इज स्मॉल या मैग्नेट इज स्मॉल भी। डाइपोल अगर छोटा हो तो भी क्या बोला जा सकता है? कि उसका एक्स का वैल्यू बड़ा होगा ए से भी। व्हाट इज एक्स? ये डिस्टेंस था पी पॉइंट का मैग्नेट से, तो उतना ही है। और छोटी मैग्नेट कर दी तो डिस्टेंस उसके हिसाब से क्या लगेगा? बड़ा लगेगा भी। यस और नो? ए क्या है? तो हाफ है मैग्नेट का। स्क्वायर करोगे और बड़ा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स के हिसाब से ए को क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? नेगलेक्ट कर सकता हूँ मैं। कर दो नेगलेक्ट यहाँ से ए को भी। क्या बनेगा आंसर पे? बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई एम इंटू टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी। कितना हो गया? एक्स की पावर फोर, एक एक्स एक्स काट दें। बी बराबर है म्यू नोट बाई फोर पाई टू एम बाई एक्स थ्री फ्रॉम एन टू पी। टॉपिक कंप्लीट। समझ में आया थोड़ा बहुत? देखिए एक बार मैग्नेट है मेरे पास, इक्विटोरियल कौन सी होगी? इसके मिड पॉइंट पे हम क्या ड्रा करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये पॉइंट क्या होगा इसका? इक्विटोरियल लाइन। गलत बातें नहीं भी। ये पॉइंट वैक्स मान लें भी। ये पॉइंट ए ए पूरा कितना लेंथ किसका? टू ए वे। करने का तरीका क्या है क्लास? यहाँ पे क्या रख देते हैं कि नॉर्थ पोल, मिड नॉर्थ पोल भाई। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसे फील्ड की डायरेक्शन आएगी भी। इट इज ए बी वन। ओके, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, क्या करेगा? अट्रैक्ट भी। डायरेक्शन ऐसी आएगी। ये तो तुम लोगों ने कल टॉपिक किया था। ये डायरेक्शन कौन सी है? बी टू भाई। ए बराबर है, एक्स बराबर है, सभी एंगल्स बराबर होंगे। थीटा ये भी कितना है? थीटा भी। एक लाइन ड्रा करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर भी, बिल्कुल पैरेलल टू मैग्नेट्स भी। ये एंगल कितना होगा भी क्लास? क्यों? इस लाइन पे दो पैरेलल लाइंस खींची गई हैं। यस और नो? और ये जेड बन रहा है यहाँ पे, देखो ये कितना एंगल होगा? थीटा होगा ये भी, ये थीटा। तो यस और नो? अगर आप बी वन को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में, पॉइंट क्या माना था मैंने? पी। अगर आप बी वन को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में, जहाँ पे एंगल बना हुआ है वो क्या बनेगा भाई? तो इट इज बी वन कोस थीटा भी। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या आएगा? बी वन साइन थीटा। बी वन है साइन थीटा। उसी तरीके से बी टू को रिजोल्व करो भाई। ये बी टू है जहाँ पे एंगल बना हुआ है भाई, वो कोस आएगा बी टू कोस थीटा। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर भाई क्या आएगा? बी टू साइन थीटा भाई। सही है? यस सर? नो?
डायग्राम बनाओ भाई। ठीक है, लिखिए वी हैव ए बार मैग्नेट, वी हैव ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2A, वी हैव ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2A हैविंग पोल स्ट्रेंथ m, स्मॉल m लिखिएगा अभी इसको। वी हैव ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2A ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड P इज द पॉइंट, थोड़ी स्पीडी लिखिए अभी, टॉपिक इस तरह के हो चुके हैं हमारे पास। एंड P इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, P इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे को लिखना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, एट P, किसकी वजह से निकालना है, ड्यू टू नॉर्थ पोल, सही है। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, बताओ वैल्यू कितनी। मैंने इसको B1 से लिखा हुआ है, B1 बराबर है, फार्मूला क्या बनेगा अभी क्लास बता दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डिस्टेंस क्या लें, एन पी स्क्वेयर, सही है। डायरेक्शन क्या लिखूं, ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, धक्का मारेगा फ्रॉम एन टू पी, मैं बोला कि चलेगा कौन, उसका मास कम होगा भी, कर पाओगे एन टू पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पी फ्रॉम द ट्रायंगल्स भी, एन पी स्क्वेयर बराबर है अभी, कौन सी ट्रायंगल क्लास, ये वाली ट्रायंगल ले ले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, क्या बनाओगे बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर भी, सही लिखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पी अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, पुटिंग द वैल्यूज भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन क्लास बताओ कितनी आएगी, म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर फ्रॉम, डायरेक्शन क्या लिखे बताओ, एन टू पी, सही लिखा मैंने या कुछ गलत किया हुआ है, अरे एन पी स्क्वेयर है ये, पूरा लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पे बच्चों होते हैं कन्फ्यूज, रूट क्यों लगाया, अरे स्क्वेयर में लिखना है भाई, यस आर नो, कर पाओगे, नहीं समझ में आया अभी, पहला पॉइंट समझ में आया, ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होगा अभी, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इतना हो गया अभी राइट, अभी क्लियर अप करते हैं, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसका, दोबारा लिखो भाई ये पूरा लाइन दोबारा लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, उसको मैंने बी टू से लिखा हुआ है, बी टू बराबर है किसके भी, म्यू नोट बाई 4 पाई एम, एम क्या भाई स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ बोला गया इसको, एन ये सॉरी पी एस बोल दें या एस पी बोलने मर्जी आपके भी, एस पी स्क्वेयर, डायरेक्शन क्या लिखें भाई, पी टू एस, क्योंकि खींचेगा अपनी तरफ इसको, ये साउथ है ये नॉर्थ पोल है, चलेगा कौन स्मॉल वाला भी, कर पाओगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी स्क्वेयर फ्रॉम द ट्रायंगल्स भी, ट्रायंगल कौन सी है, ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सही लिखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टू क्लास बताओ कितनी आएगी, म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर फ्रॉम बताओ, पी टू एस वी, एस वी क्लास, एनी प्रॉब्लम भाई, दोनों फील्ड निकाल लिए मैंने, बी वन बी और ए बी टू बी, इसमें खासियत क्या दोनों में, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं अभी, यस आर नो, डायरेक्शन क्या इनकी अलग अलग हैं, तो ये लिख सकता हूँ कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं बता दो, ये रब करते हैं ऊपर वाला, बी वन इक्वल टू बी टू भी, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, ये सिंबल है मॉडुलस वाला, किसको दिखाता है मैग्नीट्यूड को, कुछ वैल्यू भी हो सकते हैं, बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इसको ऐसे बना रखा है सिंपली फॉर्म में, हो गया। अब क्या करोगे, रिजोल्व कर लेते हैं बी वन बी टू को, लिख लीजिए इसके बाद लिखोगे, रिजोल्व बी वन एंड बी टू इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट,
रिजोल्व बी वन एंड बी टू इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एज शोज इन डायग्राम, एज शोज इन डायग्राम। बताएं जो तो नहीं आपको, सिंपली बोलिएगा, कर पाओगे? अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो भाई क्लास, B1 वन साइन थीटा और B2 टू साइन थीटा डायरेक्शन उल्टी में है अभी, और मैंने बोला कि B1 और B2 बराबर भी हैं, एंगल तो वैसे ही बराबर हैं यार सारे, यस और नो? तो क्या होगा, B1 वन साइन थीटा कैंसिल कर देगा किसको, B2 टू साइन थीटा को भी, लिख लो इस बात को, लिखिएगा B1 वन साइन थीटा कैंसल टू B2 टू साइन थीटा भी, B1 वन साइन थीटा कैंसल टू B2 टू साइन थीटा, ओके। बचे क्या क्या, इस तरफ वाले सारे कौन कौन से बचे भाई, नेट कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ बताओ, B1 वन कोस थीटा प्लस B2 टू कोस थीटा, सही है कि नहीं है, दोनों इस तरफ आ रहे हैं, ऐड कर लेते हैं सिंपली, तो बताओ भाई इसको ऐसे ले सकता हूँ क्लास, देखो B1 को B2 ले सकता हूँ या B2 को B1 ले सकता हूँ, एक ही बात है, बराबर है भाई, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए 2B1 cos थीटा, क्या मैंने ऐसे लिखा है, बराबर है भाई, B2 को B1 लिख दो, क्या दिक्कत रहेगी, कर लोगे? अब इसमें मेरे पास B1 तो है, cos की वैल्यू नहीं है भाई, ट्रायंगल्स यूज़ कर लें, इन द ट्रायंगल OPN, दिख रही है OPN, दिस ट्रायंगल भी, क्या इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा भाई, कोस क्या होगा, बेस बाई, तो ओ एन बाई, ओ एन बाई पी एन भी, ओ एन बाई सॉरी ओ एन बाई पी एन, बेस बाई हाइपोटेमस, तो व्हाट इज द बेस भी, ए, और व्हाट इज द वैल्यू पी एन भी, एन पी की वैल्यू कितनी थी, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर भी, यही था ना भाई, कितना था बताओ, टू बी वन कितना था भाई, म्यू नोट बाई फोर पाई बी सॉरी एम था भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये तो था बी वन भी, इंटू कोस थीटा कितना है, ए अंडर द रूट कितना भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम इंटू टू ए है भाई, m इंटू टू ए, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है अभी, तो लिखो इसको b इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई, इसको लिखता हूँ कैपिटल m भी, डाइपोल मोमेंट, ये पावर वन है अभी इसकी ब्रैकेट की, और ये पावर हाफ है, गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी, तो डेढ़ पावर होगी, कितनी पावर होती है डेढ़ भी, थ्री बाई टू, लिख दें यहाँ पे m किसके बराबर है, एम इंटू टू ए भी, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट भी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बस ये आंसर है, रब कर दे इसके नीचे वाले को, डायरेक्शन क्या दोगे अभी, बी बराबर है अभी म्यू नोट बाई फोर पाई एम बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर थ्री बाई टू, डायरेक्शन क्या दें, इसको एक्स मान लें इस डायरेक्शन को भी, यस सर नो, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम पी टू एक्स, फ्रॉम पी टू एक्स, ये तो मैंने मान लिया एक्स भी, एग्जाम में ऐसा नहीं मिले तो आपको एमसीक्यू से क्वेश्चन आ जाए इसी पॉइंट से भी, कि इक्वेटोरियल लाइन के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, चार ऑप्शन दे दिए जाएँ, और इसमें ऑप्शन ये नहीं है अभी, तो क्या आंसर मिलना चाहिए आपका भी, ये नहीं है, ये तो मैंने माना हुआ एक्स में से मान लिया मैंने, वैसे चार ऑप्शन में ये कोई ऑप्शन ये वाला नहीं है अभी, तो एक तो आंसर होना का ठीक है उनमें से, क्या बताओगे, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के उल्टा है भाई, यस और नो, पी की डायरेक्शन क्या होती है सॉरी एम की, साउथ से नॉर्थ होती है भाई, इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, नॉर्थ से साउथ में, एक्सियल में क्या होता है, जिस डायरेक्शंस में कौन है डाइपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, नेट फील्ड भी होता है, यस और नो, ये पॉइंट याद रखोगे, लिख लीजिए चलो इस पॉइंट को भी,
लिखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इज इन द, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके उल्टा होगा भाई। कर पाओगे या सर नो? केस करें इसका भी। फर्स्ट है व्हेन डाइपोल इज स्मॉल भी, डाइपोल है ना मैग्नेट की मर्जी आपकी भी, अगर डाइपोल छोटा होगा भाई तो एक्स बड़ा होगा उसका भी, ए से भी। ये बात सही है, डिस्टेंस तो बड़ी है, इसके हिसाब से छोटा हो गया डाइपोल भी। सुपियर क्या होगा, और भी बड़ा हो जाएगा इसका। तुम क्या कर सकते हैं, एक को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो? तो क्या बनेगा बी का आंसर भी, म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2। सही है कि नहीं है? ए को काट दो यहाँ से, फ्रॉम पी टू एक्स कर दें, एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 कितना होगा भाई? एक्स क्यूब होगा, पक्का है? बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बना भाई, म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई एक्स 3 फ्रॉम पी टू एक्स में।